जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। जीजी इंजीनियरिंग जो कंपनी है आपको आयरन एंड स्टील के सेक्टर में कामकाज करते हुए दिख जाएगी। यहाँ पर यदि हम लोग काम को समझें तो ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, किस चीज में ट्रेडिंग करती है, जैसे मैंने बताया आयरन एंड स्टील मेटल्स में, मतलब ये चीज बनाती है, आयरन एंड स्टील मेटल्स बनाती है और इसको खरीद फरोख बड़े पैमाने पर करती है। आपने लोयड स्टील्स कंपनी के नाम सुना होगा और भी स्टील सेक्टर से जुड़े हुए जो तमाम इस लेवल के जो मैं इसकी मार्केट कैप है तकरीबन 250 करोड़ के आसपास, इसके आसपास की जितने भी कंपनियां जो इस सेक्टर में काम करती है उसमें काफी तेजी से उभरता हुआ ये नाम सामने आ रहा है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का। मैंने इसके ऊपर भी पहले एक दो वीडियो बनाया हुआ है, ये लेटेस्ट वीडियो इस अपडेट में इसमें दूंगा इस वीडियो में आपको कि आपको नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, साथ में यदि पहले से आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करने की जरूरत है। यहाँ पे चीज मैं आपको पीयर्स कंपैरिजन में दिखाऊं। पीयर्स कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसकी तुलना में ये स्टॉक है। जीजी इंजीनियरिंग देखिए 8वें नंबर पर है। इसके पहले जो इस सेक्टर में काम करने वाले जो इससे बड़ी और अच्छी कंपनी है सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक के नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कम से कम आपने MMTC के नाम तो जरूर सुना होगा। काफी कमाल के स्टॉक है, बहुत शानदार रिटर्न पिछले कुछ समय में निकाल कर दिए हुए हैं। हालांकि ये काफी बड़े स्टॉक्स भी हैं लेकिन फिर भी देखिए इतने बड़े स्टॉक्स की तुलना में ये अपना जीजी इंजीनियरिंग स्टॉक्स भी है, ये कोई कम बात नहीं है। और टॉप 10 में जगह बनाया हुआ है। आयरन एंड स्टील के सेक्टर काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं अपने देश में उसमें टॉप 10 में ये स्टॉक है और ये कोई साधारण बात नहीं है टॉप 10 में आना। तो कहने का मतलब है कि यदि सही लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और चूंकि जिस सेक्टर का ये स्टॉक है इसमें काफी तेजी हमेशा ही बने रहती है क्योंकि इसका डिमांड हमेशा रहता है और जिस सेक्टर का डिमांड रहता है उसके शेयर प्राइस में तेजी आती ही रहती है, तो इसलिए आपका सही लेवल पहचान को उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और यदि इन्वेस्टमेंट है तो आगे कहाँ पे एवरेजिंग करना और कैसे क्या करना है इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। जब BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है, ना तो ये स्टॉक ESM ना ही JSM कैटेगरी में, यानी कि रेड फ्लैग से ये स्टॉक मुक्त है, बाहर है, तो ये काफी बढ़िया बात है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस में दिखेगा कि समय समय पे इस स्टॉक में कॉर्पोरेट टैक्सेस भी होते रहते हैं, यानी कि यदि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको समय समय पर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते रहते हैं, जैसे राइट इशू आ गया, स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, साथ में कंपनी आपको डिविडेंड भी देती रहती है तो समय समय पर डिविडेंड का भी आपको लाभ मिलते रहेगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है अभी 2 रुपए 10 पैसे के आसपास चल रहा है और इसमें जो अपर सर्किट लगना है 2 रुपए 26 पैसे के आसपास जैसे इस स्टॉक प्राइस पहुंचेगा तो लग जाएगा। अब देखिए यहीं पे देखेंगे कि इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है 1 रुपए 86 पैसे के आसपास, यानी कि मात्र 15-16 पैसा के अप एंड डाउन पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा है। क्या लगेगा इसके लिए हमें जानना होगा कि इस स्टॉक का वॉल्यूम किस रफ्तार से बढ़ रहा है। देखिए यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं पिछले एक सप्ताह का आप चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे पिछले एक सप्ताह में एक दिन में 61 लाख के आसपास हुआ और पिछले एक सप्ताह में 97 लाख के आसपास हुआ है, जबकि टोटल एक वीक में देखेंगे तो 80 लाख के आसपास हुआ है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले जितना एक मंथ और एक सप्ताह में जितना वॉल्यूम होता था उतना अब एक एक दिनों में और एक एक सप्ताह में होने लगा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि न्यू बायर्स इस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं और नए बायर्स आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाते ही इसमें लग जाएगा अपर सर्किट, और हम सब जानते हैं कि अगर अपर सर्किट लगता है तो शेयर प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और कुछ समय तक प्राइस बढ़ते ही रहता है। तो इसमें एक संभावना यह भी कि बहुत जल्दी इसमें अपर सर्किट लग सकता है, यदि सही जब समय पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको इस अपर सर्किट का बेनिफिट भी मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम एक साल के चार्ट का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2 रुपए के आसपास से भी ठहरा हुआ है। 2 रुपए से लेकर देखेंगे तो 2.5 रुपए के बीच में स्टॉक का प्राइस आपको कुछ समय से कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है और एकदम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे 2 रुपए के आसपास, यानी कि 2 रुपए के आसपास अभी समय जो बिता रहे हैं यहाँ पे समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा। प्राइस को निकालना ऊपर ही आप ये मानकर चलिए और ऊपर अब ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी काफी समय से देखेंगे तो इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब देर सवेरे ऊपर निकलेगा और ऊपर निकलेगा तो ये जो 3 रुपए का यहाँ पे हाई बनाया प्रीवियस हाई, क्योंकि देखिए 2 बार ऑलरेडी ये इस लेवल को टच कर चुका है, तीसरी बार में पार कर ही जाता है, तीसरी बार में इसके ऊपर निकलेगा और कम से कम इसके डबल यानी कि तकरीबन 6-7 रुपए तक आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। तो यानी कि आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं यदि आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। रही बात एंट्री लेना कहां पे नए व्यक्ति को, तो एंट्री यहां पे लेना है 2.5 रुपए के ऊपर जब इस कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तब, क्योंकि देखिए अभी रेंज बाउंड में है और रेंज बाउंड में आप पैसा लगा देंगे तो फिर फंस जाएंगे, पता नहीं कि आपको कब तक इसमें वेट करना पड़े। इसलिए जब शेयर प्राइस 2.5 रुपए से ऊपर निकले तो आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा और आपको एक अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होते हुए बहुत जल्द आपको दिखेगा। बाकी कंपनी में यदि देखें तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें प्रमोटर्स बहुत कम है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो प्रमोटर्स कम ही होते हैं, बाकी ज्यादातर जो कंपनी के शेयर है पब्लिक के पास पड़े हुए, और कंपनी के जो फंडामेंटल काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे यदि मैं आपको क्वार्टर के नंबर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग बेहतर ही रह रहा है। जैसे सेल्स हुआ
मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 76.42 करोड़ का आसपास हुआ है, जो कि पिछले कई क्वार्टर में कभी नहीं हुआ। इसी तरीके से जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 47 लाख के आसपास हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स क्लियर देखेंगे तो इतने सालों में कभी इतना ज्यादा हैवी प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है सेक्टर का ग्रोथ है, सेक्टर का फ्यूचर, आयरन एंड स्टील का हर एक क्षेत्र में यूज किया जाता है, तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी और इसके यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी हमेशा बनी रहेगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट सही समय पर सही जगह पर होना बनता है। आप जरूर अपने जो मैंने लेवल बताया उस लेवल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।